तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अपनी वीडियो को आप कैसे बूस्ट दिला सकते हैं। तो कंप्लीट बने रहें इस वीडियो में एंड तक, काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है आपको इस वीडियो के अंदर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जैसा ही आप वीडियो बनाते हैं, जिस तरह से अभी मैं शूट कर रहा हूँ, आप भी जब इस तरह से शूट करते हो तो आपके माइंड के अंदर सारे के सारे आपके पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए कि अभी मुझे क्या बताने वाला है नेक्स्ट। ठीक है, आपकी प्रॉपर एक स्क्रिप्ट रेडी होनी चाहिए। जब आपकी स्क्रिप्ट रेडी होगी तभी आप अच्छे से बता पाओगे कि भाई वीडियो के अंदर एक्चुअली मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। जब आप कंप्लीट पॉइंट टू पॉइंट उसको बताना शुरू कर दोगे, जैसे मानने की बात है आप 5 पॉइंट्स के बारे में बताने वाले हैं कि भाई टॉप 5 पॉइंट्स जिनसे आप अपने चैनल को ग्रो कर सकते हैं या अपनी वीडियो को ग्रो कर सकते हैं, आप कंप्लीट जब उसमें बताओगे 5 पॉइंट्स, और 5 पॉइंट जब आप 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से आप बताओगे और प्रॉपर आप उस पॉइंट्स का नाम आएगा प्रॉपर लिखा हुआ, उस जिस टॉपिक की आप बात करोगे उस टॉपिक के बारे में वहाँ पे कोई क्लिप्स आएगी या स्क्रीन शॉट आएगा या स्क्रीन रिकॉर्डिंग आएगी, मतलब जिस भी टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं, तो जब आप मेरी वीडियो को देखोगे या आप किसी की भी वीडियो को देखोगे, जब हर टेक्स्ट पर जो भी कुछ वर्ड बोल रहा है हर वर्ड पर जब वहाँ पर टेक्स्ट मिलेगा, जो भी हम वर्ड बोलेंगे हर वर्ड पर वहाँ पर वीडियो या ऑडियो या मतलब कोई भी स्क्रीन शॉट या टेक्स्ट में मतलब आपको वहाँ चीज़ मिलेगी, तो आप कहीं ना कहीं उस चीज़ से अट्रैक्ट होंगे, कहीं ना कहीं आप उसको पूरी वीडियो को देखने की कोशिश करेंगे। तो जब आपकी वीडियो कोई पूरी देख लेता है और उसके बाद, अभी एक मैं एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ। जैसे ही आपने कोई एक वीडियो अपलोड करी है और उस वीडियो को अपलोड कर दी, वहाँ पर 100 लोगों ने आपकी वीडियो को देख लिया, अगर 100 लोगों ने आपकी वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लिया, मानने की बात है आपकी 8 मिनट की वीडियो है और आपने इतनी ज़बरदस्त उसके अंदर एडिटिंग करी है, इतनी आपने इन्फोग्राफी उसके अंदर यूज़ करी है, एक स्टोरी टेलिंग आपने भी वहाँ पर वीडियो बनाई है, तो भाई आपकी वीडियो को कौन नहीं देखना पसंद करेगा। आपकी वीडियो को हर कोई देखना पसंद करेगा। और जब आपकी वीडियो को जब 100 लोग कंप्लीट 8 मिनट की वॉच कर लेंगे, आपने 8 मिनट की कोई वीडियो बनाई है और आपने उसमें पॉइंट टू पॉइंट आपने हर चीज़ समझाई है, अगर जो कोई भी बंदा उसको देख ले, इजी टू अंडरस्टैंड, मतलब वहाँ पर कोई भी अंडरस्टैंड कर सकता है कि भाई ये बताना क्या चाह रहा है, जब आपने वो कंप्लीट बताओगे 8 मिनट के अंदर, ठीक है, और वो 100 लोग आपकी वीडियो को कंप्लीट वॉच करेंगे 8 मिनट की, तो भाई आपको इतना तगड़ा बूस्ट मिल जाएगा, इतना तगड़ा बूस्ट मिल जाएगा, शायद उसको वायरल भी हो सकती है आपकी वीडियो, क्योंकि YouTube भी यही देखता है। YouTube की क्या एल्गोरिदम है, YouTube किस एल्गोरिदम पर काम करता है, वो यही देखता है कि भाई बंदे ने वीडियो के अंदर कितनी मेहनत करी है। YouTube भी इस एल्गोरिदम को समझता है कि जब आप बंदे ने इतनी मेहनत करी है वीडियो के अंदर, उसको नहीं पता भाई YouTube को कि आपने कितनी मेहनत करी है, वो आपकी मेहनत को पता कहाँ से जज करता है, सिर्फ यही कि आपकी वीडियो को कितना लोगों ने देखा है, कितनी मतलब उसको फुल वॉच किया है या उसको 1 मिनट पर जाकर छोड़ दिया या 2 मिनट पर जाकर, क्योंकि YouTube की एल्गोरिदम ही इस चीज़ पर काम करती है। उसको ये नहीं पता YouTube की एल्गोरिदम को कि भाई आपने कितना टैक्स लगाया उसके अंदर, कितना इन्फोग्राफी किया है, कितनी स्टोरी टेलिंग आपने वहाँ पर बताने की कोशिश, क्या स्टोरी टेलिंग मतलब आपकी है, उसको ये मैटर नहीं है। उसको मैटर है कि आपकी, क्योंकि उसके अंदर कुछ जो उसकी YouTube की जो कोडिंग की गई है वो कुछ इस तरह से ही है। अब मैं आपको बता देता हूँ, कुछ इस तरह के वर्ड्स हैं जो हम अगर जो अपनी टाइटल में लगाएंगे तो हमारे पास गाइडलाइंस वॉयलेंस का एकदम हमारे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि भाई आपने वॉयलेंस मतलब गाइडलाइंस को आपने वॉयलेट किया है, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। जैसा कोई खून निकलना, मार दिया, गोली मार दी या चाकू मार दिया, इस तरह के वर्ड, ये मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा। मेरी एक वीडियो है जो मैंने News21 India पर डाली थी और डालने के बाद मेरे पास वहाँ से YouTube की तरफ से क्या रिवर्ट आया उसका, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस तरह के वर्ड्स नहीं यूज़ करने हैं, ठीक है। मैं आपको वो भी दिखा दूंगा कि मैंने क्या उसके अंदर टैगलाइन लिखी थी, उसकी क्या टाइटल लिखा था मैंने और वहाँ से क्या रिवर्ट आया है, वो भी मैं आपको कंप्लीट दिखाने वाला हूँ। तो YouTube हमारी मतलब इस चीज़ पर वर्क नहीं करता कि भाई आपने वीडियो एडिटिंग में क्या किया है, कितने ग्राफिक्स लगाए, बस वो ये देखता है कि आपने मेहनत तो बहुत करी है। मेहनत तो समझ वहाँ से आपकी मेहनत को कहाँ से देखता है, वो कहाँ से ऑब्जर्व करता है आपकी YouTube आपकी मेहनत को, जब आपकी वीडियोस को लोग वॉच करते हैं, कंप्लीट 8 मिनट की वीडियो है या 5 मिनट की वीडियो है तो आपकी पूरी वॉच करते हैं, तभी आपके इंप्रेशंस भी आएंगे और आपकी वीडियो बूस्ट भी होगी। अगर जो 100 लोगों ने आपकी 8 मिनट की कंप्लीट वीडियो देख ली, तो भाई आपके पास हजारों तो इंप्रेशंस आ जाएंगे और हजारों ही व्यूज आ जाएंगे, क्योंकि YouTube उस चीज़ को प्रमोट कर रहा है। जैसा आप अच्छी चीज़ है, 10 मिनट 8 मिनट की वीडियो थी, पूरी देख ली आपने 8 मिनट की, तो YouTube भी सोचेगा भाई बंदे ने 8 मिनट की वीडियो, कुछ ना कुछ तो दम है, इस वजह से आपकी वीडियो को
प्रमोट करता है आगे, ठीक है। अगर जब 100 लोगों ने 8 मिनट की वीडियो देखी तो आप देखो भाई कितनी वीडियो आपकी प्रमोट होगी। शूट आप अच्छे से कर रहे हो और एडिटिंग आप अच्छे से कर रहे हो तो भाई आपकी वीडियो को भी देखना पसंद करेंगे हर कोई। जब सामने वाला देखना पसंद करेगा तो भाई यूट्यूब तो सजेशन में भेजेगा ही आपकी वीडियो, यूट्यूब तो इंप्रेशन भेजेगा ही आपके पास, अच्छे से अच्छा लोगों के पास आपकी वीडियो सजेशन में जाएंगी और बहुत सारी चीजें हैं जहां जहां पर वो आपको प्रमोट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि आपने कॉन्टेंट ही इतना अच्छा बनाया है। कंटेंट अच्छा बनाओगे तो भाई बूस्ट भी पाओगे। अगर जो आप ऐसे ही मतलब हवा हवा में कंटेंट बना दोगे तो भाई नहीं मिल पाएगा आपको बूस्ट, आप भी परेशान हो जाओगे, आपको लगेगा कि भाई मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली में आप मेहनत नहीं करते, बस टाइम पास वाली बात होती है। आप खुद से सोच के देखना कि भाई मैं सेटिस्फाई हूँ मैं अपने काम से, जो मैं काम कर रहा हूँ, जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो मैं एडिटिंग कर रहा हूँ, आप खुद से सोच के देखना कि आप सेटिस्फाई हो। जब तक आप खुद सेटिस्फाई नहीं होंगे ना, जब तक आप सोच लेना कि मैं अपना चैनल को बूस्ट नहीं कर सकता या अपनी वीडियोज़ को बूस्ट नहीं कर सकता, तो भाई अगर जो आप अच्छा कंटेंट बनाओगे तो भाई आपके चैनल भी बूस्ट होएगा, आपकी वीडियोस भी बूस्ट होंगी। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ को लाइक शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।